वेलकम अगेन दोस्तों, आज के इस वीडियो से हम देखेंगे लाइव ट्रेडिंग ऑन द सिंगल इंडिकेटर्स। ठीक है, पिछले वीडियोस में दोस्तों हमने देखा था कि दोस्तों मूविंग एवरेज क्या होता है, मूविंग एवरेज के जरिए दोस्तों हम कैसे स्टॉक्स में ट्रेड ले सकते हैं, उसी को दोस्तों आज यूज करके दोस्तों हम यहाँ पर लाइव ट्रेड करेंगे। ओके, अभी दोस्तों यहाँ पर मैंने एक्सिस बैंक का यहाँ पे चार्ट ओपन करके रखा हुआ है। अभी दोस्तों मूविंग एवरेज की स्ट्रेटेजी क्या थी दोस्तों, एक छोटा सा अप ट्रेंड होना चाहिए, अप ट्रेंड के बाद में दोस्तों यहाँ पर जो मूविंग एवरेज है वो कैंडल को सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों एक मूविंग एवरेज जो है यहाँ पर ग्रीन कैंडल को सपोर्ट किया है। ओके, तो दोस्तों हम क्या करेंगे कि इस कैंडल का जो ऊपर का प्राइस है, दिस इज कॉल दोस्तों कितना है, 555.30 पैसा है। ठीक है, इस प्राइस पर दोस्तों हम स्टॉक में एंट्री ले लेंगे एंड इस कैंडल के नीचे का हम क्या कर देंगे, स्टॉप लॉस लगा देंगे। स्टॉप लॉस यानी कि मतलब दोस्तों क्या, यानी कि दोस्तों हम देखो क्या किया हमने यहाँ पर ग्रीन कैंडल ने जो है मूविंग एवरेज को सपोर्ट किया। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसी कैंडल के ऊपर का जो भी मार्केट प्राइस होगा उस प्राइस पर हम स्टॉक को बाय कर लेंगे एंड इस कैंडल के जो नीचे का जो प्राइस है दोस्तों उस प्राइस पर हम स्टॉक को क्या कर देंगे, स्टॉप लॉस लगा देंगे। स्टॉप लॉस मतलब दोस्तों क्या कि ये जो स्टॉक का प्राइस है जो मैं 456 प्राइस पर जब स्टॉक बाय कर रहा हूँ वो अगर 450 के आसपास आ गया, यानी कि 443 के आसपास आ गया, देन मैं यहाँ से एग्जिट ले लूंगा, मैं स्टॉक से निकल जाऊंगा। ओके, क्लियर कॉन्सेप्ट, ऑसम। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर स्टॉक्स में एंट्री ले लिया ऑन मूविंग एवरेज इंडिकेटर्स के बिहाफ पर। ओके, काफी अच्छा ट्रेड है। अभी यहाँ पर ये देखते हैं दोस्तों कि अभी जो मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया है वो सक्सेसफुली हुआ है या फिर मेरा स्टॉप लॉस जो है हिट हो गया है। ओके, स्टॉक वॉज अप, ग्रेट, ऑसम, नाइस, वेल डन, ग्रेट, स्टॉक्स वॉज बुलिस, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, ऑसम, बड़ी ओके। अब दोस्तों यहां पर आप देखो, अब दोस्तों आप यहां पर देखो हमने कौन से प्राइस में स्टॉक्स को बाय किया था, 556 के प्राइस पर हमने स्टॉक को बाय किया था। ओके, जिसका दोस्तों आज प्राइस क्या है दोस्तों, 565 रुपीज। अगर दोस्तों अगर मैं जो आपको फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कहूँ तो आपने देखा दोस्तों एक किस तरह से यहाँ पर अच्छे से वर्क हुआ, यहाँ पर सबने ट्रेड लिया, ट्रेड लेने के बाद में स्टॉक वॉज अप, स्टॉक्स ऊपर की ओर गया। ठीक है, तो आपको दोस्तों ऐसे ही जो है वो ट्रेड निकालने हैं। कैसे निकालने, ऐसे ही ट्रेड निकालने जो दोस्तों मूविंग एवरेज को ग्रीन कैंडल सपोर्टेबल होना चाहिए। ओके, तो आपने देखा दोस्तों किस तरह से यहाँ पर अच्छी तरीके से हमारा जो टारगेट है वो यहाँ पर अचीव हो गया। ओके, अगर मैं दोस्तों आपको परसेंटेज की फॉर्म में दिखाऊं कि कितना परसेंटेज हमें मिला, तो यहाँ पर आप देखो 32 डेज में हमें यहाँ पर दोस्तों 24% का रिटर्न हमें यहाँ पर देखने को मिला दोस्तों। अगर दोस्तों यही जो अमाउंट अगर दोस्तों अगर आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया होता या फिर किसी भी एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया होता, देखिए दोस्तों वहाँ पर 24% रिटर्न निकालने के लिए हमें 2 साल वेट करना पड़ता है, लेकिन जबकि हमें ट्रेडिंग में दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 32 डेज ही वेट करना पड़ा। ओके, काफ़ी सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। ओके, कुछ भी इसमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। ओके, अगर आपको दोस्तों और केस स्टडी चाहिए इस पर, देन दोस्तों आप नीचे कमेंट करके बताओ, हम इस पर भी और केस स्टडी अपलोड करेंगे। ओके, तो यहाँ पर आपको बैक टेस्टिंग करना है दोस्तों, अभी 2-3 स्टॉक्स निकालने हैं और जिस तरह से मैंने यहाँ पर ट्रेड देखा है उस तरह से आपको भी ट्रेड देखना है। ओके, फैंटास्टिक, ग्रेट। तो मिलते हैं फिर दोस्तों ऐसे एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोस में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय स्वामीनारायण, टेक केयर, बाय बाय।